भारत सरकार ने GSY स्कीम 2005 में लागू की थी। इसके अंतर्गत BPL महिला को 5 किलो घी फर्स्ट डिलीवरी पे मिलना था, वह 1400 रुपये का चेक, वह बेटी होने पर 2100 रुपये का चेक डिलीवरी होने के तुरंत बाद हॉस्पिटल में ही मिलना था। लेकिन हमारे करौली के चिकित्सालय में देखने को मिल रहा है कि BPL महिला हो चाहे जनरल महिला हो, 4-4 महीने हो गए उनको ना तो आज तक घी मिला है ना कोई उनको चेक मिला है। आपके बच्चा कितने दिन का हुआ है? 15 दिन का। तो BPL की जब पहली डिलीवरी हुई थी आपकी, तो आपको क्या क्या सामान मिला था? कुछ नहीं मिला, कहते हैं अभी तक कुछ कोई भी सामान नहीं मिला। लेने गए 3-4 बार होया है, कभी कछ कहते हैं कभी कछ, और फिर बाकी देते सामान है नहीं, कहते हैं कि घी नहीं है वो नहीं है, अभी तो खराब और चीजें। सरकार ऐसी स्कीमें इसलिए लागू करती है कि जो गरीब वर्ग की महिला है वो सरकारी अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसव हो सके। लेकिन प्रसव की संख्या बढ़ाने से क्या हुआ, उन महिलाओं को उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा है जिनको सरकार ने स्कीम में लागू किया है। सरकार जब अपनी योजनाएं बनाती है तो उनकी क्रियान्विति सही तरीके से करे, वह जिससे उन महिलाओं को उनका समय पर लाभ मिल सके। हम चाहते हैं कि सरकार की GSY स्कीम का लाभ गर्भवती महिला को तुरंत मिलना चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।